देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में कोविड 19 के मामलों में दोगुनी रफ्तार से बढ़ोतरी हुई है, जिसे लेकर अब योगी सरकार एक्शन में आ गई है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। यूपी में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक प्रदेश के सभी कोविड लैब्स को एक्टिव करने की बात कही गई है। वहीं कोरोना पॉजिटिव सैंपल पाए जाने पर उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। सभी इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर्स को जल्द से जल्द एक्टिव होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा विदेश यात्रा से आने वाले लोगों पर खास निगरानी रखने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को सलाह दी गई है कि अगर बहुत जरूरी न हो तो वो ज्यादातर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। ऐसी जगहों पर मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। इसके अलावा अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य जरूरी दवाएं और उपकरण सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं सभी अस्पतालों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने और मास्क लगाने के निर्देश मिले हैं। यूपी में कोरोना मामलों की बात करें तो एक्टिव केसों की संख्या 1100 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 319 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 151 मरीज ठीक हो गए हैं। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।